अक्सर सवाल आता है इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करें, टिप्स दे दो जी। तो टिप्स देने के लिए तो दुनिया बैठी है भाई, फ्री में कितनी मर्जी टिप्स ले लो, लेकिन जो मेन चीज़ है इंग्लिश इम्प्रूव करने की वो यही है कि आप उस पर कितना एफर्ट्स लगाते हैं। आप सोचेंगे एफर्ट्स कैसे लगाएं, अरे भाई सीधी सी बात है, एफर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ये शब्द बना रखे हैं इन्होंने तगड़े तगड़े से। सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ है कि प्रैक्टिस, ठीक है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू इम्प्रूव योर इंग्लिश। टिप्स ले लिया आपने, सिंपल सी यार, रोज पढ़ो, होगी पहली टिप्स, रोज लिखो, होगी दूसरी टिप्स। अब जो पढ़ रहे हो वो बोल बोल के जोर जोर से पढ़ो, तो इसमें क्या होगा, आपकी दो चीज़ें आ जाएंगी। सबसे पहले आपको पढ़ना आएगा, ठीक है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी। दूसरी चीज़ आपको बोलना, आपकी स्पीकिंग भी अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी हो रही है, ठीक है। तो रोज़ जोर जोर से बोल बोल के पढ़ोगे, ये तो मेन चीज़ है, तो इसकी प्रैक्टिस आप रोज करो भाई, रोज। आधा घंटा देने में क्या जाता है, 24 घंटे होते हैं ना, आधा घंटा बैठ लो, भी टाइम बना लो, रोज 9 बजे सब सेट वेट करके खा पी के अपना 9 बजे से 9:30 बजे तक आधा घंटा। अरे भाई 5 मिनट रीडिंग लगाओ जोर जोर से, ठीक है, कुछ भी उठा लो, न्यूज़पेपर उठा लो या कोई भी बुक उठा लो कहीं से भी, ठीक है, किसी बच्चे की पकड़ लो, 5वीं 7वीं की क्लास की या 4थी 5वीं की पकड़ लो, ठीक है, कोई सी भी बुक पकड़ लो और पहले पन्ने पे जो भी लिखा है वो बोलना शुरू कर दो, ठीक है। उसके बाद चैप्टर पढ़ लो, कहानी है, पोयम है, जो भी वो पढ़ ली, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर को भी जोर जोर से पढ़ो, क्योंकि अगर आप जितनी जोर जोर से क्वेश्चन और आंसर पढ़ोगे तो वहाँ आपको इंटरेस्ट जगेगा, ठीक है। कहानी में बेशक इंटरेस्ट आए ना आए, लेकिन क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जब आप चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर पर आप जब जोर जोर से पढ़ोगे तो आपको एक मजा भी आएगा, क्योंकि कुछ के आंसर आपको पता होंगे और कुछ के नहीं भी पता होंगे, तो एक मिक्स एंजॉय आएगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो हो सके तो किसी भी कोई भी क्लास की कोई भी बुक पढ़ लो, ठीक है, और उसे जोर जोर से पढ़ो रेगुलरली, ठीक है ना, रेगुलरली पढ़ना है उसको, ठीक है। कंसिस्टेंसी दो कि भाई आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश की रोज, सिर्फ पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना है, ठीक है, हो गया। उसके बाद लिसनिंग, कुछ तो सुनो, YouTube में आजकल कितने यार ऑडियो बुक्स हैं और कितने लोग हैं जो अच्छा अच्छा बोलते हैं, बस उनको सुनो। इससे क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो ट्रेन होता है, आंखों से वो इंग्लिश को देख रहा है, कानों से वो इंग्लिश को सुन रहा है और मुंह से वो इंग्लिश से बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे हाथ में है ये तो करो। अब पार्टनर नहीं मिल रहा, बात किससे करें, पार्टनर नहीं मिल रहा, बात किससे करें, अरे भाई ये बाद में करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जोर जोर से बोलना, मतलब बोल बोल करके पढ़ना शुरू करो। दूसरी यह है कि आप लिखना कोशिश करो कि जब एक डायरी बना लो यार, सिंपल सी बात है, रात को जब आते हो पूरे दिन में क्या करा उसके ऊपर एक लेख लिख दो, मतलब 5-7 लाइनों का, बस हो गया। लिखने के लिए और तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ जो भी रोज़ का आपका कोई रूटीन हुआ, आज ऑफिस में क्या हुआ, घर में क्या हुआ, बिजनेस में क्या हुआ, दुकान में क्या हुआ, बस उसके ऊपर आप कुछ 10 लाइनें लिख दो। रीडिंग हो गई, बोलने की प्रैक्टिस होगी, राइटिंग हो गई, कुछ सुन लो भाई, कोई वीडियो सुन लो, जैसे मेरी सुन ली तुमने, ठीक है, बाकी अच्छी अच्छी वीडियोस अवेलेबल है, कुछ भी ढूंढ के कुछ भी इंग्लिश में सुन लो, समाचार लगा लो यार इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के न्यूज लगा लो, बहुत है, हो गया ना आपका ये सारा। अब बात है, पार्टनर तो मिलता रहेगा भाई बोलने की, तो भाई मेरे आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है बोलने की, ठीक है, आपको ढूंढना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले तो शर्म को दो त्याग, ठीक है, कि भाई जो आज है वो कल तो रहेगा नहीं, इतना तो पक्का है। जिस ऑफिस में आप आज काम कर रहे हो होपफुली ठीक है, चलता रहे तो ठीक है, बट जनरली होता क्या है कि आपको ऑफिस को 1 साल में 2 साल में 3 साल में छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है यार, ठीक है। तो वो सब जो लोग हैं आप उनसे घबरा के, उनसे शर्मा के आप बात नहीं करते हो कि यार ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, अरे भाई छोड़ो, जो आपके पास एनवायरनमेंट है ना, चाहे तो आप ऑफिस जाते हो, चाहे आप दुकान में जाते हो, कहीं आप बिजनेस जगह पे, कहीं पे भी आप जाते हो, तो जो एक माहौल मिला है ना उसमें अपने आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। इंग्लिश किसको सीखनी है, आपको सीखनी है, ठीक है। तो जब आपको इंग्लिश सीखनी है तो जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, वहाँ बोलने की कोशिश करो और अपॉर्चुनिटी ढूंढो बोलने के लिए, ठीक है। इंग्लिश दूसरों को तो सीखने नहीं है, ठीक है, वो तो आपको डाउन ही करेंगे, वो कहेंगे यार ये सीख गया तो आगे बढ़ जाएगा, तो आपको करना है। तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि आप किस तरह से इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं बोलने के लिए, बोलने की जो प्रैक्टिस आप बोलना चाह रहे हो ना, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस, तो आप घर से शुरुआत करो। जो घर में आप नमस्ते करते हो, पैर छूते हो, सलाम वालेकुम बोलते हो,
वहां पर आप यूज करो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। और जब घर के ही लोग हैं, हम दुनिया के तो हालचाल पूछते हैं लेकिन घर वालों के भी हालचाल पूछे हमने, तो सबसे उठ के मम्मा से करो गुड मॉर्निंग मम्मा, हाउ आर यू मम्मा, व्हाट आर यू मेकिंग फॉर दैट ब्रेकफास्ट मम्मा, ठीक है। इस तरह से मतलब जो जो जनरल शब्द हैं, जो जनरल हमारे कन्वर्सेशन है डे टू डे वाले, एटलीस्ट वहाँ से शुरुआत करो। फिर आप जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, काम पे जाते हैं, वहाँ जो आपके दोस्त मिलते हैं, कुलीग्स मिलते हैं, उनके साथ बोलने की कोशिश करो हे, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, छोटे छोटे शब्दों में कॉन्फिडेंस लेके आने की कोशिश करो। हाय बोलते हो ना, तो शुरू में हाय बोलो, ठीक है, उसके बाद हे बोलो, ठीक है, उसके बाद उसे इंटरेस्टिंग तरीके से बोलो हे जॉन हाउ आर यू बेबी, ठीक है। इस तरह से मतलब इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो छोटे छोटे सेंटेंसेस को, और जिससे माहौल भी अच्छा रहे और आपका कॉन्फिडेंस भी बने। तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, ढूंढो और बोलो। पार्टनर की तलाश करते रहोगे तो भाई पता नहीं कितने सालों बाद आपको पार्टनर मिलेगा। और अगर कोशिशें करोगे तो जब सामने वाला देखेगा यार तू कोशिश कर रहा, तो शायद वही तुम्हारा पार्टनर बन जाए, ठीक है। कोशिशें ही कामयाब होती है भाई, सोचने से नहीं होता कुछ कि भाई सोचता रहो मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, नहीं होगा, कोशिश करनी पड़ेगी। यू स्टार्ट यार, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। तो प्रैक्टिस करो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है भाई, और कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये सब उल्लू बनाते हैं, घोंचू बनाते हैं, ये जो कुछ भी कहानियां बनाते हैं ना, 5 दिन में सिखा देंगे, 10 दिन में सिखा देंगे, 20 दिन कोई नहीं सिखाएगा, अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस करें खुद से। तो बस सिर्फ प्रैक्टिस से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। टिप्स तो ले लो भाई, किससे लेनी है, हर जगह मिलती है टिप्स, को कहीं से भी ले लो, मेरे से लेनी है मेरे से ले लो भाई, एक पन्ना रोज पढ़ो किताब जोर जोर से बोल बोल के, ठीक है, एक पन्ना रोज लिख लो अपने रूटीन का, डेली का लिख लो, या कहानियाँ लिखनी शुरू करो अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, एक पन्ना अपनी बहन के ऊपर, एक पन्ना अपनी माँ के ऊपर, एक अपने पापा के ऊपर, एक अपने दोस्त के ऊपर, एक अपने ऑफिस के दोस्त के ऊपर, और इसके ऊपर मतलब किसी को भी ढूंढो और उसके ऊपर एक लाइन लिखो, उसकी अच्छा या बुरा या कुछ भी लिखना शुरू कर दो, होगी राइटिंग की प्रैक्टिस। बोलने के लिए हर जगह अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ठीक है, जहाँ भी मौका मिले बोलो, इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, और क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस है वही आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी, सोच आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं करेगी, ज़्यादा पैसा खर्च करने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो चलो प्रैक्टिस शुरू करो,